सहरा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा और इसके साथ पीएम 28 अक्टूबर को ब्रुनेई के सुल्तान के न्योते पर 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। लखनऊ विधानसभा परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में विधान परिषद के बीजेपी के चार नवनिर्वाचित एमएलसी ने शपथ ली है और इनमें जितिन प्रसाद, संजय निषाद, वीरेंद्र सिंह गुर्जर और गोपाल अंजान ने शपथ ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इन्हें शपथ दिलाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता आलोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में इन चार एमएलसी का आज शपथ दिलाना, कह सकते हैं कि हर एक नेता ऐसा चुना गया है एमएलसी पद के लिए जो कि हर एक जाति को साधने में मदद करेगा बीजेपी में। आलोक जी, सरकार ने विधान परिषद के इन चार नामों को फाइनल किया था जिसमें से शामली से है चौधरी बीरेंद्र सिंह गुर्जर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही गोपाल अंजान है और इसके साथ ही ब्राह्मण चौहरे के तौर पर शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद है और पूर्वांचल से संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष थे। इन चारों के नाम राज्यपाल को पिछले 26 सितंबर को भेजे गए थे और जिनको राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया था। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री भी है, उन्होंने भी 26 तारीख को ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें शपथ ली थी कैबिनेट मंत्री से। और आज जो है विधान परिषद के जो सभापति है कुंवर मानवेंद्र सिंह, उन्होंने इन सभी चारों जो नवनियुक्त सदस्य हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस अवसर पर खुद मुख्यमंत्री योगी डिप्टी अशोक कुमार मौर्य समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता और मंत्री मौजूद हैं। इन चारों का नाम बहुत अहम इसीलिए भी माना जा रहा है आलोक जी, क्योंकि चुनाव अब बहुत करीब हैं, कुछ ही महीने बचे हैं इलेक्शन से पहले। और जैसा कि आपने जानकारी दी, जितिन प्रसाद जो कि ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री हैं और उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कह सकते हैं क्योंकि अभी नए नए आए हैं बीजेपी में कांग्रेस का दामन छोड़कर, और ऐसे में बीजेपी में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है, एमएलसी पद की शपथ भी दिलाई गई है। क्या लगता है किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां वो निभाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए क्योंकि विधानसभा चुनाव कल पर है और ऐसे में बीजेपी की जो थिंक टैंक है वो बहुत ही सोच समझदारी के बाद ही ये फैसला लिया गया है कि इन लोगों के नामों का चयन किया गया है कि कहीं ना कहीं समाज में इनकी जो उपयोगिता है उसके मद्देनजर ही इन लोगों को विधान परिषद में भेजने का काम पार्टी ने किया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के चार नए एमएलसी ने आज शपथ ली।